कोई कुछ खास नहीं था, कोई शायद खास नहीं था जब मैंने उसको देखा। कुछ गहरी कुछ उथली सांस आंखों में अपने की तलाश, कुछ गहरी कुछ उथली सांस आंखों में अपने की तलाश, मेले में खोए बच्चे की आस जब मैंने उसको देखा। उसको कुछ तो कहना था अब और मौन नहीं सहना था, उसको कुछ तो कहना था अब और मौन नहीं सहना था, रस दरिया में बहना था जब मैंने उसको देखा। मेरी पुकार पर यूं मुड़ा जैसे हो इंतजार में खड़ा, अपना ही नाम सुनने की जिद पे अड़ा जब मैंने उसको देखा। आंखें एकदम चार हुई और कई बार हुई, आंखें एकदम चार हुई और कई बार हुई, बातें भी दो चार हुई जब मैंने उसको देखा। क्यों उसने वो कहा जो मुझको सुनना था, क्यों उसने वो कहा जो मुझको सुनना था, या मैंने वही सुना जो मुझको सुनना था, पर ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने उसको देखा। तुम ठीक हो ना, मैंने आहिस्ता से पूछा, कोई और है तुम सा, वापस उसने पूछा। तुम ठीक हो ना, मैंने आहिस्ता से पूछा, कोई और है तुम सा, वापस उसने पूछा। इतना सुनते ही दिल भराया, बाहें फैलाई और गला रुधाया, हाथ आईने से जा टकराया, हाथ आईने से जा टकराया, वो कोई और नहीं मेरा ही अक्स था। अब मैंने उसको देखा, अब मैंने उसको देखा। थैंक यू। और आखिरी है लास्ट, बस प्यार में आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर है, और आपके लिए क्या अहमियत है अगले की, ये उसके ऊपर है। गर्मियों में सिर्फ दो पेड़ अच्छे लगते हैं, गुलमोहर और एक अमलतास, दोनों पे फूल ही फूल होते हैं, बाकी हर जगह इतनी गर्मी पड़ रही होती कि आप मरे नहीं, बस इसी की गनीमत होती है। तो गर्मियों का गुलमोहर और अमलतास है वो, गर्मियों का गुलमोहर और अमलतास है वो, कांधों पे पड़ा अतलस और कमखाब है वो। अतलस मतलब सैटिन और कमखाब सिल्क वाला एम्ब्रॉयडरी का एक ऐसा कपड़ा जो काफी कीमती हो। कांधों पे पड़ा अतलस और कमखाब है वो, मेरे सिरहाने रखी हुई किताब है वो, मेरे सिरहाने रामायण रखी रहती है सालों से, मेरे सिरहाने रखी हुई किताब है वो, आधी सोई उन्नीदी आंखों का ख्वाब है वो, किसी तहखाने में छूट गई पुरानी शराब है वो, किसी तहखाने में छूट गई पुरानी शराब है वो, इस कदर लज्जतों में बेहिसाब है वो, मुझको तेरा लज्जत मतलब टेस्ट, मुझको तिराता हुआ जहाज है वो, मुझको डुबोता हुआ सैलाब है वो, मुझको डुबोता हुआ सैलाब है वो, मुझको तिराता हुआ जहाज है वो, लबों पे रुके हुए अनसुने अल्फाज है वो, लबों पे रुके हुए अनसुने अल्फाज है वो, और कानों में गूंजती खुदाई आवाज है वो, दिन को पुरजोर चमकता आफ्ताब है वो, आफ्ताब मतलब सूरज, दिन को पुरजोर चमकता आफ्ताब है वो, रातों को रोशन करता महताब है वो, महताब मतलब मून, मेरी आखिरी उम्मीद परवाज है वो, और क्या कहूँ बस लाजवाब है वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर शिल्पी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड फॉर शेयरिंग द स्टेज विद अस। भाई इतना ठंडा रिएक्शन नहीं, मजा आता है। अगेन लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।